नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी बंसल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो बॉस में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आप सभी जानते होंगे। तो LIC क्या करती है कि जो लेटर्स होते हैं जो अपने पॉलिसी होल्डर को वो भेजती है, तो कई बार क्या होता है कि जो लोगों को इनके बारे में नहीं पता वो डर जाते हैं लेटर देख के। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ लेटर आप देखिए इस तरह का आता है, ये इंटरफेस है जो इस तरह का लेटर आता है। तो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि इस लेटर में क्या क्या होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक रिमाइंडर होता है कि आपकी किस्त ड्यू हो चुकी है और आप जमा करवा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर ये जो है पॉलिसी नंबर, सबसे ऊपर पॉलिसी नंबर होता है जिसमें यही आपका एक अकाउंट नंबर होता है जिसके आप दिखाकर जमा वगैरह करवा सकते हैं अपनी किस्त। उसके बाद ये दोस्तों, उसके बाद आता है प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम राशि, ये आपका प्रीमियम राशि शो कर रहा है 505 रुपये। उसके बाद आता है आपका सर्विस टैक्स, अगर कोई है लगा हुआ तो उस पर, ये अभी कुछ टाइम पहले लगना शुरू हुआ सर्विस टैक्स। तो आपका अगर बाद की पॉलिसी है, 2-3 साल से आप चला रहे हैं, तो आपका सर्विस टैक्स भी शो करेगा उसमें, ये पुरानी पॉलिसी है उसमें नहीं शो करेगा और ना ही देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी आगे टोटल प्रीमियम हो जाती है दोस्तों, 505 रुपये दिखा रहा है ये। उसके बाद प्रीमियम ड्यू डेट, यानी कि देय दिनांक, आपने आपकी देनी कब से आपकी जो देय तिथि है वो है 28/12/2017 और आपके पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी होता है, तो आप अगले 28 दिनों तक इसको जमा करा सकते हो, यानी कि 28/1/2018 तक। नीचे दोस्तों यहाँ पे फिर हम आते हैं सम एश्योर्ड बीमित राशि, ये है आपकी 50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये लिखा है 28/9/2013 और यानी कि आपकी पॉलिसी कब से शुरू हुई है। उसके बाद आता है ये आपका प्लान टर्म कोष्टक व मुदत, यानी कि ये आपका जो प्लान है वो है 179 और ये 20 साल का है और 20 साल ही आपने पैसे देने हैं। उसके बाद आता है ये मोड, आप मतलब पैसे कैसे दे रहे हो आप, 3 महीने के 6 महीने के साल के, तो ये है क्वार्टरली, आप 3-3 महीने के पैसे दे रहे हैं। और दोस्तों अगर कोई बोनस कंपनी ने ऐड किया है तो आपका वो यहाँ पे शो करेगा, अभी इसमें नहीं है तो नहीं शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एजेंसी कोड है, जिस एजेंट से आपने पॉलिसी कराई है उसका एजेंसी कोड शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे हम, यहाँ देखेंगे लोन पार्टिकुलर्स में डेट ऑफ लोन, अगर आपने कोई लोन लिया तो वो डेट शो करेगा। यहाँ पे बकाया लोन अगर आपकी तरफ है, ब्याज आपने कब से कब तक का है वो शो करेगा, ऋण पर ब्याज राशि यहाँ शो करेगा। और दोस्तों नीचे यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने अपडेट करवाया वो यहाँ शो करेगा, जो उनके रिकॉर्ड में अभी फ़िलहाल है। अगर आपको लगता है ठीक नहीं है या आप इन्हें बंद कर दिया तो आप इसे चेंज करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी शो करेगा दोस्तों, जो आपकी होगी। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो इस लेटर को देख के कई लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। और आपको मैंने जो जो इसमें था, अगर आपकी कोई करे तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और आगे की ऐसी सी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक दोस्तों मैं आपको इसमें चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ सबसे ऊपर आपकी ब्रांच का फ़ोन नंबर भी दिखाएगा, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन घर बैठे सर्विस लेना चाहते हैं तो ये लिखिए SMS LIC help स्पेस पॉलिसी नंबर स्पेस और इसे भेज दीजिए 9222-49224 पे। ये आपको कॉल रिवर्ट करेंगे, मतलब कॉल बैक करेंगे कस्टमर केयर, और आपसे पूछेंगे कि अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।